Hello and welcome to my channel Exciting Indian Wanderers. We plan, you explore. I am Neeraj Rai and please like, share and subscribe to my channel. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में और प्लान करेंगे हम लक्षद्वीप आइलैंड की ट्रिप और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे आप लक्षद्वीप आइलैंड की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और कैसे वहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं और बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड फेमस क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं आपको इसमें लक्षद्वीप के टूर पैकेज के बारे में बताऊंगा, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि लक्षद्वीप है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। तो द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटिफुल आइलैंड्स located some 400 km off India's west coast in the Arabian Sea. तो दोस्तों ये Arabian Sea में west coast में located है, 400 km distance है इसका coast से। ये बहुत ही beautiful island है और ये सबसे छोटा union territory है India का। However, there are only 36 islands having a total area of 32 square km. It's made up of 12 alot, 3 reef and 5 submerged bank. 10 islands are inhabited. हाँ जी, total 36 islands आते हैं लक्षद्वीप में और इसमें से 12 alot हैं, 3 reef हैं and 5 submerged bank हैं और total 36 में से जो 10 islands हैं वो inhabited हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं जहां पे आप विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से आइलैंड टूरिस्ट के लिए ओपन है, क्योंकि काफ़ी आइलैंड्स ऐसे हैं, काफ़ी कोरल्स, काफ़ी अलॉट्स, काफ़ी रीफ्स ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सो आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते। तो आगे देख लेते हैं कि मैप क्या है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं वो इसमें मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका कोची, कोची से ही आप एक्सेस कर सकते हैं लक्षद्वीप को। जो यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो ये हैं और इसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वो अलॉट्स हैं, वो रीफ्स हैं, तो उनको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। जो थोड़े से मेजर आइलैंड्स हैं वो ही यहाँ पर लोकेट किए गए हैं मैप में। तो जो यहाँ का जो मेन आइलैंड है वो है कवरत्ती। कवरत्ती यहाँ की कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। एंड सेकंड जो है वो है अगत्ती। अगत्ती में ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का। देन ये है मिनी कॉय, ये है कैरालपेनी, ये है एंड्रॉट, ये है एमिनी और ये है आपका बंगाराम। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है बंगाराम और बेसिकली अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं तो यू शुड गो टू बंगाराम, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आगे हम देखते हैं, तो ये है मेन आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो मैंने आपको अभी मैप में जो बताया वही सारे आइलैंड्स हैं इसमें। तो कवरत्ती जो मैंने आपको कैपिटल बताया, ये आपको मैंने कनमत बताया, आपको कालपेनी बताया, अगत्ती बताया, मिनिकॉय बताया, बंगाराम बताया और एक ये जो मैप में नहीं दिखाया ये बहुत छोटा आइलैंड है थिंकारा। तो एक्चुअली जो ये सारे आइलैंड्स हैं ये फॉरेनर्स के लिए सारे आइलैंड्स एक्सेसिबल नहीं हैं, तो जो फॉरेनर्स के लिए एक्सेसिबल हैं आइलैंड्स उनमें से ये एक आइलैंड है थिंकारा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फॉरेनर्स यहाँ पे मिलेंगे थिंकारा में। उनके लिए अगत्ती, बंगाराम और कदमत, ये तीनों पे रेस्ट्रिक्शन है फॉरेनर्स के लिए। बंगाराम, अगत्ती और कदमत में रेस्ट्रिक्शंस है फॉरेनर्स के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन सारे आइलैंड्स में आप वहां जाके बाइसिकल हायर कर सकते हैं, बाइसिकल से आप घूम सकते हैं। आगे मैं आपको परमिट के बारे में भी बताऊंगा। हाँ जी, सही सुना आपने, आपको लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ लक्षद्वीप की, सारे आइलैंड्स की मिक्स पिक्चर्स आपको फोटोज दिखाता हूँ, सो हैव अ लुक ऑन द पिक्चर्स।
तो दोस्तों हम आ जाते हैं अपने मैप वाले पार्ट पे। तो ये है हमारा इंडिया और ये है लक्षद्वीप। सो ये देख सकते हैं आप, आपको ये अब कुछ आइलैंड्स विजिबल होंगे। सो ये हम और क्लोज आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं ये कावारती है, अब आपको ये विजिबल होगा। दिस इज कावारती, दिस इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है तो उसकी कैपिटल है ये कावारती। एंड ये एक आइलैंड है आपका। एंड नेक्स्ट वन इज दिस, ये है अगाटी। अगाटी जो है ये यहीं अगाटी में ही एयरपोर्ट भी है, तो दिस इज अगाटी आइलैंड। तो ये एयर स्ट्रिप है वहाँ पे अगाटी आइलैंड में, ये देखिए यहाँ पे ये है अगाटी एयरपोर्ट। तो देन नेक्स्ट जो है ये है बंगाराम, ये बंगाराम आइलैंड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। मिनीकॉय ये थोड़ा सा अलग हटके है, यहाँ पे है मिनीकॉय, ये जो आइलैंड है ये मिनीकॉय है। कोची से आपको शिप्स और फ्लाइट्स दोनों ही अवेलेबल होंगी। फ्लाइट्स आपको इंडिया में कई सारी जगहों, बहुत सारी जगहों से अवेलेबल होंगी। मुंबई से भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको फ्लाइट, एंड दिल्ली से भी एंड कोची से भी। सो यहाँ से आपको शिप की फैसिलिटीज़ भी और क्रूज़ की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है कोची से डायरेक्टली कावारती अगाटी के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो ये हमारे पास लिस्ट शिप की, क्रूजेज की लिस्ट है। गवर्नमेंट रन क्रूजेज अवेलेबल फ्रॉम कोची। तो ये जो ऊपर लिस्ट है ये सारी लिस्ट गवर्नमेंट क्रूज की है। MV कावारती, लक्षद्वीप सी शिप, अरेबियन सी शिप, MV भारत सीमा, MV अमीन देवी, MV लगून, MV मिनीकॉय। तो ये सारी गवर्नमेंट रन क्रूजेज हैं, ये सारी कोची से चलती हैं और अलग अलग स्पॉट्स पे जाती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी बुकिंग्स कैसे करनी है और कौन सी शिप कहाँ जाती है। तो अभी मैं इन शिप्स के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आपकी बुकिंग के हिसाब से इफ़ यू वॉन्ट लग्जरी तो इसमें आपको लग्जरी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इफ़ यू वॉन्ट नॉन एसी तो आपको नॉन एसी कंपार्टमेंट भी अवेलेबल है। इफ़ यू वॉन्ट चेयर कार तो चेयर कार भी अवेलेबल है। तो इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सी अवेल करना चाहते हैं। देन कमिंग टू द प्राइवेट रन क्रूजेज, तो प्राइवेट रन क्रूजेज भी हैं, सुपरस्टार, लिब्रा और MS ओशन ओडेसी। वो चीज़ इनकी वेबसाइट पे, सुपरस्टार लिब्रा की और ओशन ओडेसी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और आप बुकिंग भी इनकी वेबसाइट से करा सकते हैं। गवर्नमेंट की ये सारी शिप्स की मैं आपको आगे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया कि आप लक्षद्वीप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और शिप से भी जा सकते हैं बाय एयर और बाय वाटरवेज। तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो यू कैन बुक एयर इंडिया, और आपको एयर इंडिया का ये जो पेज है जिस पे आप देख रहे हैं एंट्री परमिट फॉर अगाटी, तो एंट्री परमिट आप यहीं से ले सकते हैं डायरेक्टली इससे ही। तो ये यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कैन बी एक्सेस थ्रू URL। तो ये आप ओपन करेंगे लिंक, तो आप डायरेक्टली आप वहाँ से आप अपना परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परमिट ले सकते हैं। ये तो हो गया अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप शिप से जाना चाहते हैं, तो शिप से मैं आपको बता दूँ कि शिप से आप कोची से जा सकते हैं और फ्लाइट से आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम कोची और कोझिकोड़े और मुंबई और दिल्ली, कहीं से भी आप अगाटी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। आपको शिप की ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ आपको कि आप शिप की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि शिप टिकटिंग ऑनलाइन और ऑनलाइन शिप की टिकट करने के लिए वेबसाइट बनाई हुई है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लक्षद्वीप गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप कहीं से भी कहीं की बुक कर सकते हैं शिप। आइदर कोची से आप कावारती के लिए कर सकते हैं या अगाटी के लिए कर सकते हैं। विजिट टू दिस लिंक, और मैं आपको ये दिखाता हूँ ये लिंक ओपन करने पे, तो आपका ये पेज ओपन होगा। तो ये जो पेज है ये वेबस्टार करके पेज है, वेब बेस्ड शिप टिकट एडवांस रिजर्वेशन लक्षद्वीप। ये आप देख लें, ये गवर्नमेंट का है ये, तो ये बहुत ही
सेफ भी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे आप टिकट्स की बुकिंग करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। कौन सी शिप आपको लेनी है, ये टाइप ऑफ शिप्स हैं, ये है एम वी लगून, एम वी कावारती, एम वी मिनी पॉय, एम वी कोरल एंड अरेबियन सी, एम वी अरेबियन सी, एम वी लक्षद्वीप सी। तो ये शिप्स के नाम है, लाइक जैसे ट्रेन की बुकिंग करते हैं देन ये सोर्स आप यहाँ मेंशन करिए कि आपको कहाँ से जाना है। तो ये है कोची, आपके पास ऑप्शन बैंगलोर का भी ऑप्शन है तो कोची आप डालें। देन आपको कहाँ जाना है डेस्टिनेशन, आपको अगाटी जाना है, आपको बंगाराम जाना है, या फिर आपको कटमठ जाना है, या कावारत्ती जाना है, किल्टन जाना है, तो वो आप डालें। अपना ये सिक्योरिटी कोड यहाँ मेंशन करने के बाद प्रोसीड करें। देन आपको प्रॉपरली सब कुछ ओपन हो जाएगा, फेयर भी पता लगेगा। पहले आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा टिकट बुक करने के लिए, जैसे आप IRCTC में करते हैं उसी तरीके से यूज़र अकाउंट यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, देन आप बुक कर सकते हैं। मैं इन सारी वेबसाइट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज़ गो थ्रू माई डिस्क्रिप्शन एंड आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। मैं हर चीज़ का आपको वहाँ पे ही लिंक प्रोवाइड करूँगा। दिस इज UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप का ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पे ये हमने डायरेक्टली ओपन किया है एंट्री परमिट के लिए। सो ये है लक्षद्वीप टूरिज्म का एंट्री परमिट, अगर आपको लेना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑथोराइज अथॉरिटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर इशू ऑफ परमिट टू वेरियस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। तो जब ये आप ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, तो आप वहाँ से एंट्री परमिट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आप एंड में बताऊँगा सारे पैकेजेस के बारे में, तो उसकी बात कर लेते हैं। सो ये पेज है स्पोर्ट्स का, इस वेबसाइट का नाम है स्पोर्ट्स लक्षद्वीप। सो ये वेबसाइट है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, अ सोसाइटी अंडर लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट वेबसाइट, ये भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ से आप हर चीज़ की बुकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आप टूर के पैकेजेस की बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, आपको हर चीज़ की यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग की, सारे स्पोर्ट्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है आपका टोटल वेबसाइट, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है हाउ टू बुक, अगर हम इस पे जाते हैं हाउ टू बुक, तो ये है हाउ टू बुक, टूरिस्ट कैन बुक डायरेक्टली और थ्रू एन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट, ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट डिटेल्स आर अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पे ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स का डिटेल भी प्रोवाइडेड है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। बुक कैसे करना है, हाउ टू बुक डायरेक्टली, चूज योर पैकेज, टूर पैकेज डिटेल्स आर अवेलेबल और वेबसाइट। आप जो भी पैकेज सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो पैकेज सेलेक्ट करें, इनके वेबसाइट पे वो सारे पैकेज गिवन है। मैं आपको वो सारे पैकेज भी एक बार दिखाऊंगा ताकि आपको दोबारा सर्च करने में दिक्कत ना हो। देन आपका सेकेंड ऑप्शन, देन आपको कन्फर्म अवेलेबिलिटी कन्फर्म करनी पड़ेगी, आपको ईमेल करके चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वहाँ अवेलेबिलिटी है या नहीं। ये ईमेल है इनकी, ये वेबसाइट है, ये ईमेल आईडी है इनकी एंड देन ये फ़ोन नंबर भी गिवन है, आप उसमें कर सकते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा 48 आवर्स के अंदर अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, ये आप ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर पैकेज टूर टू लक्षद्वीप। सो ये सारा पूरा फॉर्म आप फिल करके, आप इसको ये सारे डिटेल्स मेंशन करके आप उनको मेल करें, देन वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या है अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, सब कुछ आएगा, आपको पे कितना करना है, वो सब कुछ आपको वो बता देंगे। टूर पैकेजेस जो यहाँ पे आ रहा है, टूर पैकेजेस न्यू, तो इनके टूर पैकेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से टूर पैकेजेस हैं। तो लक्षद्वीप के प्रॉपर टूर पैकेजेस यहाँ पे मेंशन हैं। तो फर्स्ट जो टूर पैकेज है वो है लक्षद्वीप सुंदरम, ये है लक्षद्वीप सुंदरम का टूर पैकेज। ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि लक्षद्वीप पैकेज इंक्लूड 3 आइलैंड्स, इस पैकेज में 3 आइलैंड्स इंक्लूड किया हुआ है, तो इसमें आपका आना जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ खाना, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। डे वन आप कोची से बोर्ड करेंगे, देन मिनीकॉय जाएंगे, उसके बाद कावारत्ती जाएंगे, देन कल्पेनी जाएंगे। ये सारी डिटेल्स आप खुद पढ़ सकते हैं। देन इसके अलावा आपको
यहाँ पे कॉस्ट भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए टूर चार्जेस एंड टोटल चार्जेस कितना होगा, और 5 डेज के लिए आपका टोटल चार्जेस होगा इतना। तो ये सारा कुछ आप खुद से देख सकते हैं। जो सेकेंड पैकेज है वो है आपका स्विंग पाम पैकेज। स्विंग पाम पैकेज है वो आप पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या अवेलेबल है। तो ये वाला पैकेज है कवरती आइलैंड रिजॉर्ट, तो इसमें आपको आप देख सकते हैं आपको सारा कुछ मेंशन है। ट्रांसपोर्टेशन आपको 1000 रुपीज़ है वन वे का, एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 500 है आपका। तो ये सारे पैकेजेस हैं। स्कूबा डाइविंग का भी पैकेज है, ये यहीं पे मेंशन है कि स्कूबा डाइविंग का क्या चार्जेस होगा, क्या क्या होगा उसमें, देन कहाँ कराएंगे आपको स्कूबा, सब कुछ मेंशन है। तो आप प्लीज़ गो थ्रू करें इस वेबसाइट से, बुकिंग करें यहाँ से अगर आप चाहते हैं आपको ऑनलाइन। आगे हम कुछ Q&A कर लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपके माइंड में होंगे। मैं होपफुली आप सबके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लक्षद्वीप। हाँ जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि बेस्ट टाइम क्या है लक्षद्वीप विजिट करने के लिए। तो द बेस्ट टाइम टू विजिट लक्षद्वीप इज अक्टूबर टू मिड मे। अक्टूबर से लेके मे तक आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप पूरे साल ओपन रहता है, पर उसके अलावा सितंबर में, मिड मई से सितंबर तक आपको वहाँ पे रेनफॉल मिलेगी, मॉनसून होगा, तो वहाँ शिप्स नहीं जाती हैं उस टाइम पे, तो ये रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अल्कोहल अवेलेबल इन लक्षद्वीप। तो जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल वहाँ पे बैन है लक्षद्वीप में। पूरे लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स पे बैन है एक्सेप्ट बंगाराम। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, कंजम्पशन इज परमिटेड ओनली ऑन द आइलैंड ऑफ बंगाराम, बट बंगाराम आइलैंड रिजॉर्ट हैज अ बार। तो वहाँ पे बार अवेलेबल है, तो वहाँ पे ही आपको सिर्फ परमिशन मिलेगी अल्कोहल कंजम्पशन की, बाकी कहीं भी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन लक्षद्वीप। हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद बताया था कि मिनिकॉय इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड ऑफ ऑल। दिस आइलैंड हैज़ अ प्योर लगून, प्योर ब्लू लगून। तो वैसे तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को मिनिकॉय पसंद आता है, इसीलिए मिनिकॉय की रेटिंग हाई है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी गो टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप कैसे जा सकते हैं, मैंने शुरू में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ कि लक्षद्वीप आप 2 वे से जा सकते हैं, एक शिप से और फ्लाइट से। तो लक्षद्वीप आइलैंड कैन बी रीच बाई शिप एंड फ्लाइट ऑपरेटेड फ्रॉम कोची, और कोची से आप जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो है इज लक्षद्वीप कॉस्टली। यस, लक्षद्वीप इज लिटिल कॉस्टली। लक्षद्वीप इज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर बजटेड ट्रिप, इट इज लिटिल एक्सपेंसिव स्पेशली इन दिसंबर विच इज पीक टूरिस्ट सीजन। स्पेशली दिसंबर में ये कॉस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि वो पीक टाइम है सीजन का। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैंने और सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, तो आप उस लिंक से बुकिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।